चले सोबर ड्रिंक देखते हैं. सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स. देखिए पल में कार्बन मॉलिक्यूल कितने होंगे, 12 से लेके 18 कार्बन एटम्स होंगे. ध्यान दें सब सोप क्या होता है, वैसे सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर पजेस द एबिलिटी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम सरफेसेस लाइक ह्यूमन स्किन, टेक्सटाइल्स एंड अदर सॉलिड्स. ठीक है, जनरल फॉर्मूला देखें सोप का, ये क्या है हमारा, दिस इज द अल्काइल ग्रुप. ठीक है, उसके बाद ये CO हमारी क्या है, पूरी चेन हो जाएगी. ठीक है, CO नेगेटिव यहाँ पर क्या है, एन ए पॉजिटिव है, और ये क्या है नेगेटिव. यहाँ देखिए ये C17S35, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्टेरिक. क्या बोलते हैं स्टेरिक, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सोप सोडियम स्टेरिक. उसके बाद क्या आ गया C15S31CO नेगेटिव, क्या बोलते हैं इसे, सोडियम परमेटिव. उसके बाद क्या है ये C17S33 सोडियम ओलेएट. एक चीज ध्यान दो, सोप्स आर द बायोडिग्रेडेबल इन नेचर. इसका मतलब क्या है कि जो सोप्स है हमारे उनसे पॉल्यूशन नहीं होता. ठीक है, सोप्स पॉल्यूशन नहीं करते हैं, बट जो हमारे कौन है डिटर्जेंट्स हैं दे कॉज मैक्सिमम पॉल्यूशन. वी हैव टू रिड्यूस द प्रेजेंस. बताओ क्यों, क्योंकि इससे दो बातें होंगी, पहला तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, पॉल्यूशन ज्यादा होगा. सेकेंड ये हमारी फूड चेन में एंटर कर जाएगा. क्या करेगा, जब हमारे जो फूड चेन में एंटर करेगा तो उससे क्या होगा, बायो मैग्निफिकेशन होगा. क्या होगा, देयर आर मेनी डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस लाइक कैंसर, बहुत सारे डिजीज क्या हो रही है, प्रमोट हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट क्या होते हैं वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे. ठीक, उसके बाद देखो ये कौन सा एंड है हमारा, ये हमारी लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की. क्या बोलते हैं इसे, तेल है, हाइड्रोफोबिक नेचर है. कैसा नेचर है इसका, हाइड्रोफोबिक नेचर है. ये क्या है, वाटर रिपेलिंग है. कैसा है, वाटर रिपेलिंग है, मतलब हाइड्रोफोबिया, फोबिया सुनते हैं पानी से दूर जाना, इतनी तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग है. लेकिन ये डर्ट अट्रैक्टिंग है. कैसा है, डर्ट अट्रैक्टिंग, डर्ट लविंग. ठीक है, जो भी मैक्सिमम जो डर्ट होता है इट इज ऑफ ऑयल और ग्रीस. ऑयल नेचर होगा उसका, या क्या होगा, ग्रीस नेचर होगा. ठीक है, उसके बाद ये हेड कैसा है हमारा, हाइड्रो फिलिक है. हाइड्रोफिलिक मींस हैज एन एफिनिटी फॉर वाटर एंड अटैच टू द सराउंडिंग वाटर. क्या करता है ये, वाटर अट्रैक्टिंग. इसका नेचर कैसा है, वाटर अट्रैक्टिंग. इसका नेचर कैसा है, वाटर रिपेलिंग. ये वाटर को रिपेल करता है, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा. लेकिन ये वाटर को रिपेल करेगा तो इससे अट्रैक्ट होगा, इट इज अट्रैक्टेड टू द डर्ट. और डर्ट मतलब ये ऑयल ड्रॉप. एग्जांपल देखिए यहां पर एक मिसेल फॉर्मेशन का डायग्राम है. इसमें क्या देखा हमने कि ऑयल ड्रॉपलेट है. इसमें से क्या होगा, ये हमारी जो चेन है लॉन्ग, उसकी टेल है. टेल क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे किससे, ऑयल से. ऑयल से अटैच हो गए और बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, क्लस्टर्स फॉर्म होंगे. देयर आर द क्लस्टर्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स. देयर आर मेनी क्लस्टर्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल. दे कंबाइन टू फॉर्म अ मिसेल. दे कंबाइन टू फॉर्म अ मिसेल. और मिसेल से ही क्या होगा, हमारा क्लींजिंग एक्शन होगा. सपोज करें हमने क्या किया, एक टब के अंदर बहुत सारा वाटर लिया, उसमें सोप को डाला है, सोप सॉल्यूशन बनाया. फिर हमने क्या किया, एक कपड़े को डाला, एक क्लॉथ लिया, एक क्लॉथ के अंदर क्या है, एक डर्ट लगा हुआ है, डर्ट का पार्टिकल है हमारा यहाँ पर ऑयल है. उसके बाद ये हमारी क्या हुआ, मिसेल फॉर्मेशन हुआ. ये क्या करेंगे, ये सब जो मिसेल मिलकर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे. मान लो ये हमारा क्लॉथ है, क्या करेंगे, क्लॉथ में से क्या करेंगे, डर्ट को रिमूव करेंगे. और डर्ट को रिमूव करेंगे क्या करेंगे, वाटर में उसको डिसॉल्व करा लेंगे. और इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो क्लॉथ है वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा. एक चीज याद रखो, इस सोप जो हार्ड वाटर में काम नहीं करता, सोप ओनली वर्क इन सॉफ्ट वाटर. ऐसा क्यों, हार्ड वाटर क्या होता है, द वाटर विच कंटेन, द वाटर विच कंटेन कैल्शियम और मैग्नीशियम इंप्योरिटी. क्यों, ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम है, मतलब Ca2+, क्या है, Ca2+ Mg2+, तो क्या होगा उस वाटर के अंदर, होगा क्या, यहां पर रिएक्शन होगा. और क्या करेगा ये रिएक्ट होकर स्कम बनाएगा. क्या बनाएगा, स्कम फॉर्मेशन करेगा. और स्कम क्या होता है, व्हाइट कर्ड टाइप का पीपीटी होता है, जो एक स्टिकी होता है. कैसा होता है, आप कभी देखें खारे पानी में आप सोप यूज करोगे तो क्या होगा, आप सोप लगाओगे वो लेदर फॉर्म नहीं करेगा, झाग नहीं देगा, और आपकी स्किन से क्या होगा, चिपक जाएगा. चिपक जाएगा, स्टिकी से लिक्विड बन जाएगा, चिकित्सा जाएगा. ये मान लीजिए आपकी स्किन पर वो सोप क्या हो जाएगा, चिपका रहेगा, और आपको क्लीनिंग एक्शन फिर उसका शो नहीं होगा. आप सोप लगाएंगे, सोप एज इट इज वहीं का वहीं रहेगा.
आप सोप को हटा नहीं पाओगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हेयर या अपनी स्किन को डिटर्जेंट से या फिर शैम्पू से वॉश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शैम्पू यूज करेंगे वहां पर। सपोज करो आप कभी वहां पर जाते हैं, कहां पर, समुद्र में जाते हैं, ठीक है, समुद्र में जाते हैं नहाने के लिए, ठीक है, स्विमिंग करनी है आपको। उसके बाद आप जब उस पानी से नहाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल सोप आप यूज नहीं कर सकते वहां पर, क्योंकि उस पानी के अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज है। द वॉटर इज हार्ड, हार्ड वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, Ca2+Mg2+। इम्प्योरिटी होगी और उस इम्प्योरिटी से क्या होगा, स्कम फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और स्कम क्या होता है, कट टाइप का प्रेसिपिटेट है, और जिससे कि वो क्लीनिंग एक्शन सोप नहीं करेगा, ठीक है। इसमें और बताएं और कुछ दिक्कत, ठीक है, थैंक यू।